भक्त बंधु और बहनों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे वरुथनी एकादशी की तिथि, मतलब किस दिन पड़ेगी वरुथनी एकादशी, डेट, दिन, तारीख और शुभ मुहूर्त कब है पूजा करने का। तो वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे और एकादशी के बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे इसके महत्व के बारे में। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर सुनिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। हर महीने में एकादशी दो बार पड़ती है। पूरे साल भर में 24 एकादशी की तिथि होती है और जिस साल मलमास होता है उस साल में एकादशी की संख्या बढ़ के 26 हो जाती है, मतलब दो एकादशी और बढ़ जाती है। प्रत्येक एकादशी का व्रत अपना अलग महत्व रखता है और उसमें पूरी श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान है। जो एकादशी का व्रत है वो बेसिकली भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इन्हीं एकादशियों में से एक आती है वैशाख महीने में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। वरुथनी एकादशी का जो व्रत है वो हमेशा वैशाख महीने में ही पड़ेगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी के व्रत को मोक्ष दायिनी बताया गया है और ऐसा माना गया है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोगों का मानना है कि एकादशी का व्रत गौ दान के पुण्य के बराबर का फल प्रदान करता है। तो एकादशी के व्रत से चिंताएं, मोक्ष, मोह माया का प्रभाव कम रहता है। ईश्वर की अनुकंपा ज्यादा होती है, मतलब ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है, पाप प्रभाव कम होता है और मन शुद्ध रहता है। व्यक्ति हर तरह की दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहता है एकादशी का व्रत करने से। पाप कम होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है एकादशी के व्रत को करने से। खास करके वैशाख के महीने में एकादशी का उपवास करने का विशेष महत्व है। वैशाख के महीने में अगर आप व्रत एकादशी का रख रहे हैं, इससे मन शरीर दोनों ही संतुलित रहता है। खास तौर से गंभीर रोगों की से रक्षा होती है शरीर की और खूब सारा नाम यश मिलता है। एकादशी के उपवास से मोक्ष के बंधन से नष्ट हो जाता है इंसान। वरुथनी एकादशी की तिथि है, तारीख है 26 अप्रैल मंगलवार के दिन पड़ेगी। एकादशी की तिथि आरंभ होगी 26 अप्रैल मंगलवार सुबह 1:36 से और एकादशी का समापन होगा 27 अप्रैल बुधवार रात्रि 12:46 तक। चूंकि उदय तिथि में एकादशी 26 अप्रैल को पड़ रही है, इसी यह व्रत इसी दिन रखना फलदायी होगा। तो 26 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का व्रत पड़ेगा और जो पारण करने का समय होगा वो 27 अप्रैल सुबह 6:41 से प्रातः 8:22 तक रहेगा। तो अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो मैंने आपको टाइमिंग बता दी कि पूजा की टाइमिंग क्या है, व्रत किस दिन रखा जाएगा और इवन मैंने बता दिया आपको कि पारण करने का समय क्या होगा, व्रत खोलने का क्या समय होगा, वो सारी चीजें मैंने वीडियो में बता दी। उस हिसाब से अपना व्रत रखिएगा और खोलिएगा। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जो जो भी एकादशी का व्रत रखता है उसको पता चलना चाहिए कि वरुथनी एकादशी का व्रत कब है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।